हाय गाइज, मैं शुभम और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। रेडमी 4 मेरे पास फ़ोन है, ये जो वेरिएंट है वो मेरे पास 2 GB और 16 GB का वेरिएंट है। बेसिकली मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए करीबन 5 दिन हो चुके हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन को ख़रीदने के क्या क्या रीजन्स हैं। मतलब बेसिकली आपको इस वीडियो में आपको इस फ़ोन के पॉजिटिव रिव्यू देने वाला हूँ ताकि आप इस फ़ोन को ख़रीदने में आपको हेल्प मिल सके। सबसे पहला जो रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। हालांकि फ़ोन की कीमत 7,000 रुपये है, पर फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। पर इसमें केवल आपको HD डिस्प्ले मिलती है, पर डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कोई भी इशू मुझे डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आप वीडियो या गेमिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जो सेकेंड रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो है इसकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पर मैं आपको साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप, काफ़ी लाउड साउंड है। और तो मुझे नहीं लगता कि शायद 7,000 रुपये की कीमत में कोई फ़ोन में इतना लाउड साउंड आता है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लियर साउंड है। और जो थर्ड रीज़न है इसकी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इंच का फ़ोन है और फ़ोन हाथ में बिल्कुल फिट आ जाता है। और डिज़ाइन भी मेटेलिक बॉडी में दिया गया है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। गोल्ड कलर में आप देख सकते हो, काफ़ी शाइनिंग मार रहा है। और फ़ोन 1 हैंडेड के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है, एक हाथ में आराम से आप इजीली यूज कर सकते हो इस फ़ोन को। और जो फोर्थ रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो है इसकी बैटरी लाइफ। अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो ये फ़ोन करीबन 4000 mAh की 4100 mAh की बैटरी दी गई इसमें। और आपको अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको करीबन 2 दिन या 1.5 दिन का फ़ोन का बैकअप मिल जाएगा। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो आपको करीबन 1 दिन का तो बैटरी बैकअप इस फ़ोन में मिल ही जाएगा। और साथ में इसका प्रोसेसर जो है बैटरी एफिशिएंसी के लिए काफ़ी अच्छा है। और फिफ्थ रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए IR ब्लास्टर। IR ब्लास्टर से आप अपने घर में फ़ोन, मतलब अपने घर में TV AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। 7,000 रुपये की कीमत में शायद अदर किसी फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आता है। और जो छठा रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो है MIUI 8। जो इसमें MIUI 8 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिया गया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, MIUI 8 8.2 वर्जन दिया गया है इसमें। इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। परमिशन से डुअल एप्स वगैरह, सिस्टम ऐप्स वगैरह, और लाइट मोड भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप फ़ोन कहीं बाहर गए हो, बैटरी फ़ोन में कम है, तो आप लाइट मोड ऑन करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेकेंड स्पेस का ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आप अगर आप फ़ोन किसी को यूज़ किसी फ्रेंड या फैमिली को देते हो तो आप सेकेंड स्पेस ऑन करके उनको फ़ोन दे सकते हो, ताकि उन्हें कोई भी डेटा, आपका पर्सनल डेटा नहीं मिल पाए। और जो सातवां रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं केवल हल्का सा टच करता हूँ, जैसे मैं हल्का सा टच करता हूँ फ़ोन अनलॉक हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर ओवरऑल काफ़ी अच्छा। 7,000 रुपये की कीमत में आपको ये फ़ोन मिल रहा है 2 GB RAM और 16 GB स्टोरेज के साथ में, और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे दिए जा रहे हैं। मैं पर्सनली नेक्सस 6 को यूज़ करता हूँ, पर उस फ़ोन का भी फिंगरप्रिंट इतना फास्ट काम नहीं करता जितना इस फ़ोन का फास्ट काम कर रहा है। और जो आठवां रीज़न है वो काफ़ी दमदार रीज़न है इस फ़ोन की कीमत। इस फ़ोन की कीमत आपको केवल 7,000 रुपये में मार्केट में देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में आपको 2 GB की रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, और स्नैपड्रैगन 435 चिपसेट के साथ में आता है। और काफ़ी अच्छे स्पेक्स इसमें दिए गए हैं और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है हमें। 7,000 रुपये की कीमत में मुझे नहीं लगता कि कोई भी और कंपनी आपको इतना अच्छा फ़ोन प्रोवाइड कराती है। और बात करूँ अगले रीज़न की, तो यहाँ पे इसमें अगला रीज़न है इसमें जियो की सिम परफेक्टली वर्क कर रही है, और साथ ही में मुझे कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे जो ईयरपीस दिए गए इसमें काफ़ी अच्छी साउंड आती है, लाइक मोटोरोला फ़ोन और नेक्सस फ़ोन। और जो लास्ट रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का वो इसका कैमरा। हालांकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है, पर वैल्यू फॉर मनी कैमरा है। अगर आप 7,000 रुपये की कीमत में फ़ोन खरीद रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि ये शायद 7,000 रुपये की कीमत में फ़ोन का कैमरा बेकार है। काफ़ी अच्छी फोटोज इसमें देखने को मिलती है आपको, और ऑटो फोकस का सपोर्ट भी दिया गया है। 13 MP का रियर कैमरा है और HDR मोड भी दिया गया है यहाँ पे, और फ्रंट पे 5 MP का कैमरा दिया गया है। सो गाइस, ये थे कुछ इस फ़ोन को ख़रीदने के रीजंस। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स।